नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत चामला। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, आप में से जो लोग भी सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी विभाग, किसी मंत्रालय या किसी PSU के अंदर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, आउटसोर्स वर्कर या डेली वेजर आदि के रूप में काम करते हैं, तो आपके लिए खुशखबरी लेकर के आया हूं। आपको बता दूं कि आपके अप्रैल 2024 का जो महंगाई भत्ते का नोटिफिकेशन है, सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया है, जिसके बाद आपके न्यूनतम वेतन में वृद्धि हो जाएगी। आज हम इस वीडियो में आपके लिए जानकारी लेकर के आए हैं कि आपका न्यूनतम वेतन महंगाई भत्ते को ऐड होने के बाद कितना हो जाएगा और ये वृद्धि कब से होगी और अलग अलग कैटेगरी में आपका न्यूनतम वेतन क्या हो जाएगा। इसके साथ ही आप उस नोटिफिकेशन को कहां से डाउनलोड करेंगे उसकी भी मैं जानकारी देने जा रहा हूं। इसके लिए आपसे अनुरोध है, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए और कोई सवाल हो तो पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। तो आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी विभाग में पूरे देश के अंदर, किसी भी राज्य के अंदर आप काम करते हैं, जैसे कि रेलवे हो गया, एयरपोर्ट हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, IRCTC हो गया, CBSE हो गया और भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी भारत सरकार के विभाग है उसके अंदर अगर आप कॉन्ट्रैक्ट वर्कर और डेली वेजर आदि के रूप में काम करते हैं, तो आपके लिए एक अलग न्यूनतम वेतन का प्रावधान है, जिसको कि सेंट्रल स्फीयर का न्यूनतम वेतन कहा गया है, जिसको कि चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल के द्वारा आपका न्यूनतम वेतन रिविजन होता है, उसके महंगाई भत्ते का नोटिफिकेशन आदि जारी किया जाता है। और आज उसी की हम जानकारी लेकर के आए हैं। और साथ ही आपको बता दें कि न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के हिसाब से 5 साल में एक बार आपका न्यूनतम वेतन रिवाइज होना चाहिए, यानी कि आपका बेसिक रिवाइज होना चाहिए, और साल में 2 बार आपके महंगाई भत्ते का नोटिफिकेशन जारी होता है, जो कि 1 अप्रैल में होता है और 2 अक्टूबर में होता है। तो वही अप्रैल वाला अभी आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसको ऐड करके आपका न्यूनतम वेतन बढ़ जाएगा। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि अलग अलग कैटेगरी में आपका 1 अप्रैल 2024 से सेंट्रल स्फीयर के अंदर न्यूनतम वेतन क्या होगा। दोस्तों, जैसे ही हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको हमारे ब्लॉग www.workerbhas.in का ये वाला लिंक मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करते ही हमारे इस वाले पोस्ट पे आ जाएंगे और जिसमें हमने आज ही पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। और आप नीचे आएंगे तो एक टेबल के माध्यम से हमने 1 अप्रैल 2024 से आपका न्यूनतम वेतन आपके DA को ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा उसको हमने बताया है। आपको बता दें कि आप अनस्किल्ड में हैं और ए एरिया में आपको एक दिन का 778 रुपया, बी एरिया में 651 रुपया और सी एरिया में 522 रुपया, इससे कम नहीं मिलना चाहिए। सेमी स्किल अनस्किल सुपरवाइजरी में ए एरिया में 862 रुपया, उसके बाद बी एरिया में 734 रुपया और सी एरिया में 610 रुपया, इससे कम नहीं होना चाहिए। स्किल या कलर्कियल हैं तो एरिया में आपका 948 रुपया, बी एरिया में 862 रुपया और सी एरिया में 734 रुपया। हाईली स्किल्ड में है तो एरिया में आपका 1028 रुपया, बी एरिया में 948 रुपया और सी एरिया में 862 रुपया, इससे कम नहीं होना चाहिए। और ये जो रेट मैंने आपको बताया है डेली के हिसाब से, और अगर आप इसी डेली वाले दर में 26 से गुना कर देंगे तो आपका मासिक सैलरी निकल जाएगा, अगर आपको मासिक रेट के हिसाब से सैलरी दिया जाता है। अगर आप मंथली रेट जानना चाहते हैं तो उसके लिए हमने एक अलग टेबल के माध्यम से बताने की कोशिश की है, जिसमें अनस्किल का एरिया में 20,228 रुपया, बी एरिया में 16,926 रुपया, सी एरिया में 13,572 रुपया, इससे कम नहीं होना चाहिए। सेमी स्किल अनस्किल सुपरवाइजरी में एरिया में 22,412, बी एरिया में 19,084, सी एरिया में 15,860। इसी प्रकार सेमी स्किल या कलर्कियल हैं तो एरिया में 24,648, बी एरिया में 22,412, सी एरिया में 19,084। इसी प्रकार हाईली स्किल हैं तो एरिया में 26,728, बी एरिया में 24,648 और सी एरिया में 22,412, इससे कम नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि अगर आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप पोस्ट के लास्ट में आएंगे और ये वाले लिंक पर क्लिक करेंगे तो वैसे ही आपके मोबाइल में ये वाला जो नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड हो जाएगा। इसके साथ ही आपसे अनुरोध करूंगा कि एक बार कमेंट्स में लिख करके आप बताएंगे कि सरकार के द्वारा जो महंगाई भत्ता आपका बढ़ाया गया है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं या नहीं है। इसके साथ ही आपको बताना चाहूंगा, ये जो नोटिफिकेशन है 1 अप्रैल 2024 को जारी किया गया है। इसके साथ ही नोटिफिकेशन के अंदर आकर के चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सा काम है जिसके अंदर आप काम करते हैं,
तो आपका अलग अलग जो दर है वो क्या होगा। तो दोस्तों ये जो न्यूनतम वेतन दर हमने बताया है, अगर भारत सरकार के किसी भी विभाग, किसी भी मंत्रालय, किसी भी PSU के अंदर आप डेली वेजर, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, आउटसोर्स वर्कर आदि के रूप में काम करते हो तो कम से कम इस दर से आपको मिलना चाहिए। ऐसे में हमारे पास लगातार एक सवाल आता है कि हम दिल्ली राज्य के अंदर काम करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के विभाग में काम करते हैं, लेकिन हमारे एम्प्लॉयर या फिर कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा हमको राज्य सरकार का न्यूनतम वेतन दिया जाता है। कई बार आप यूपी में काम करते हो, बिहार में काम करते हैं, तो इसके लिए क्या नियम है ये बताइए। तो हालांकि इसके बारे में हम नियम काफ़ी पहले बता चुके हैं। ऐसे स्थिति में क्या होता है कि दोनों में से जो ज़्यादा होगा, यानी कि सेंट्रल स्फीयर वाला और जो स्टेट गवर्नमेंट का जो न्यूनतम वेतन है, उसमें से जो ज़्यादा होगा वो आपको मिलेगा। उसके लिए आप एक बार टैली करके मिला करके देख लीजिए। इसके बाद हो सकता है आप कहेंगे कि हमारा ठेकेदार या फिर हमारा एम्प्लॉयर नहीं मान रहा है, इसके लिए अगर कोई नियम हो या फिर कोई कोर्ट के ऑर्डर का कॉपी हो तो आप हमें दीजिए। तो इसके बारे में हमने अपने YouTube चैनल के माध्यम से काफ़ी पहले दिल्ली हाई कोर्ट का एक आदेश है उसका कॉपी आपको दिया है। अगर आपने हमारे उस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं। साथ ही मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, और उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फिर से जाएंगे तो जैसे हमारा पोस्ट होता है, हर पोस्ट में वो आपको ऑर्डर का कॉपी भी मिल जाएगा, उस पर पूरी जानकारी दी हुई है। अब ऐसे में 1 अप्रैल 2024 से ये जो अभी मैंने न्यूनतम वेतन सेंट्रल स्फीयर का बताया है, उससे अगर आपके एम्प्लॉयर के द्वारा कम दिया जा रहा है, ऐसी स्थिति में आप अपने एरिया के रीजनल लेबर कमिश्नर सेंट्रल, याद रखिएगा, वहाँ शिकायत कर सकते हैं। सेंट्रल का अलग होता है और स्टेट गवर्नमेंट का अंदर होता है, तो इसके लिए आपको सेंट्रल में जाना होगा। और जब भी आप न्यूनतम वेतन कम देने या फिर नहीं देने की शिकायत करते हैं तो जितना भी न्यूनतम वेतन संबंधित सरकार के द्वारा नोटिफाई है उसके 10 गुने हर जाने की मांग कर सकते हैं। इसके बारे में कोई भी सवाल हो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि ये जो जानकारी है पूरे देश के सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करने वाले जो प्राइवेट कर्मचारी हैं, कहने का मतलब आउटसोर्स कर्मचारी, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, उनके पास पहुंच सके। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।